इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और दबाइए इस बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए बिल्कुल फ्री। हेलो दोस्तों, मैं अनिल सिंघानिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी सॉफ्टवेयर। दोस्तों, इस वीडियो का टाइटल है ऑपरेटर। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑपरेटर होते क्या हैं, ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं और ऑपरेटर का आप प्रैक्टिकल यूज कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा ऑपरेशन दिया है x प्लस वाई, जिसको हम एडिशन ऑपरेशन बोलते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ इंडिकेट किया है कि x और y को ऑपरेंड बोलते हैं और प्लस को ऑपरेटर बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। दोस्तों, ऑपरेटर एक ऐसा स्पेशल सिंबल्स होता है जिसका यूज हम लॉजिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन और बहुत सारे टाइप्स के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। किस पे? डेटा या वेरिएबल पे। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आता है ऑपरेंड क्या होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि ऐसा डेटा या वेरिएबल जिस पर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है उसे हम ऑपरेंड बोलते हैं। दोस्तों, यदि मैं आपको सिंपल में बताना चाहूँ तो जो ऑपरेशन करता है उसे हम ऑपरेटर बोलते हैं और जिस पर ऑपरेशन होता है उसे हम ऑपरेंड कहते हैं। चलिए आगे टाइप देखते हैं इसके। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, जिसमें पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स और दोस्तों लास्ट में है स्पेशल ऑपरेटर्स। इसके बाद मैं इन सारे ऑपरेटर्स को आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा कि ये सब होते क्या हैं और इनका प्रैक्टिकल यूज कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अर्थमेटिक ऑपरेटर होते क्या हैं, कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं और इसका आप प्रैक्टिकल यूज कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ऑपरेटर जिनका यूज करके हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उन्हें हम अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं और उसका आप प्रोग्राम में यूज कैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर एक मैंने लिस्ट दिया है, इन सबको सिंबल बोलते हैं। यहाँ पे ऑपरेशन दिया गया है कि इन ऑपरेटर का यूज करके हम कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं और यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है। तो दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं इस सिंबल का यूज करके आप एडिशन कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका यूज करके हम सब्ट्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, इस सिंबल का यूज करके मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका यूज करके हम डिविजन कैलकुलेट कर सकते हैं और जो लास्ट है उसका यूज करके हम मॉडुलस कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, इन सारे सिंबल को हम अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। तो चलिए इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका प्रोग्राम में आप यूज करके कैसे प्रोग्राम बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक प्रोग्राम बनाया हूँ, देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल लिया है, x इक्वल टू 16 एंड y इक्वल टू 3। यहाँ पे मैंने एडिशन परफॉर्म किया, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, नेक्स्ट डिवीजन और लास्ट में है मॉडुलस। अब मैं इसका आउटपुट दिखाने जा रहा हूँ आपको। तो देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, आउटपुट आ गया एडिशन 19, सब्ट्रैक्शन 13, मल्टीप्लिकेशन 48, डिवीजन 5 और मॉडुलस 1। दोस्तों, ये तीन चीज़ आपको इजीली समझ आ रहा होगा, लेकिन इन दो में आपको कन्फ्यूजन होगा कि डिवीजन 5 कैसे हो सकता है और मॉडुलस 1 कैसे हो सकता है। आपको लग रहा होगा कि डिवीजन हमेशा डेसिमल में आएगा क्योंकि 16 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं। दोस्तों, इंटीजर डेटा टाइप में हमेशा बिना डेसिमल के नंबर आते हैं, इसीलिए इसका आउटपुट 5 हुआ है। और मॉडुलस 1 कैसे हुआ है, इसके लिए मैं आपको एक प्रश्न दिखा रहा हूँ। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मैंने 16 को 3 से डिवाइड किया है जो कि 5 से जाएगा और रिमाइंडर आएगा 1। तो दोस्तों, रिमाइंडर को हमेशा मॉडुलस कहते हैं, इसीलिए यहाँ पे मॉडुलस कितना आ गया है 1 और यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो आएगा डिवीजन। अब देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। ऐसे ऑपरेटर जिनका यूज करके हम दो ऑपरेंड या दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं उसे बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। यदि कंडीशन ट्रू होती है तो ये ऑपरेटर 1 रिटर्न करते हैं, यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो ये ऑपरेटर 0 रिटर्न करते हैं। देखते हैं कौन कौन से होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिस्ट दिया है, इन सबको सिम्बॉल बोलते हैं, ये उन सब का नाम हो जाएगा और मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। सबसे पहले जो है उसको बोलते हैं इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नेक्स्ट ग्रेटर दैन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये लेस देन और इक्वल टू। यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे टू इक्वल टू 3। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है कि
दो तीन के बराबर है कि नहीं। तो हम जानते हैं कि दो तीन के बराबर नहीं होता है, तो मैंने बताया था कि यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो ये जीरो रिटर्न करते हैं, इसलिए यहाँ पे जीरो है। यहाँ पे है दो तीन के बराबर नहीं है, मतलब टू नॉट इक्वल टू थ्री, तो ये सही है कि दो तीन के बराबर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे रिटर्न वन आ रहा है। तो चलिए इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें बस मैंने दो वैल्यू को कंपेयर किया है, दो और तीन को। यहाँ पे है दो तीन के बराबर है, नेक्स्ट में है दो तीन के बराबर नहीं है, नेक्स्ट जो है दो तीन से बड़ा है और नेक्स्ट है दो तीन से छोटा है। जो सेकेंड लास्ट है उसका मतलब है दो या तो तीन से बड़ा है या तो उसके बराबर है, और जो लास्ट है उसका मतलब होता है कि दो या तो तीन से छोटा है या तो उसके बराबर है। अब देखिए इसका आउटपुट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट आ गया जीरो क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है, नेक्स्ट है वन क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है, फिर से नेक्स्ट जीरो है क्योंकि ये फॉल्स है, उसके बाद नेक्स्ट वन है क्योंकि ये ट्रू है, सेकेंड लास्ट जीरो है क्योंकि दो तीन के बराबर भी नहीं है, और जो लास्ट वाला आउटपुट वन इसलिए है क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि दो या तो छोटा है और बराबर है। तो हम जानते हैं दो तीन के बराबर नहीं है लेकिन दो तीन से छोटा है, इसलिए इसका आउटपुट वन है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। दोस्तों लॉजिकल ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर होते हैं जिनका यूज करके हम लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन का मतलब लॉजिकल एंड परफॉर्म कर सकते हैं, लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और लॉजिकल नॉट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिस्ट दिया है, ये सिंबल है, यहाँ पे नेम और यहाँ पे एग्जाम्पल। दोस्तों इस सिंबल को हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर बोलते हैं, इस सिंबल को हम लॉजिकल और ऑपरेटर बोलते हैं, और इस सिंबल को हम लॉजिकल नॉट ऑपरेटर बोलते हैं। दोस्तों मैं लॉजिकल ऑपरेटर का आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसके नेक्स्ट वीडियो, जो कि है कंडीशनल स्टेटमेंट जिसको आप कंट्रोल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, इफ एल्स के टॉपिक है वो, उसमें हम बहुत सारे प्रोग्राम बनाएंगे, थ्योरेटिकल पार्ट भी कंप्लीट करेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं जो कि है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज वैल्यू को वेरिएबल को असाइन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट का मतलब होगा दोस्तों जब भी आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं तो इसके लिए आपके पास दो ऑपरेंड होने ही चाहिए। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से असाइनमेंट ऑपरेटर हो सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक लिस्ट दिया है, इन सारे सिंबल को हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया और यहाँ पे मैंने दिया है सेम एज। दोस्तों यहाँ सेम एज का मतलब हुआ कि आप एक्स इक्वस टू एक्स प्लस वाई को एक्स प्लस इक्वस टू वाई भी लिख सकते हैं, एक्स इक्वस टू एक्स माइनस वाई को आप एक्स माइनस इक्वस टू वाई भी लिख सकते हैं। दोस्तों यह सिंपल एक फार्मूले के जैसा है, जैसे एक्स प्लस इक्वस टू वाई का मतलब होता है एक्स इक्वस टू एक्स प्लस वाई। चलिए मैं इसका अब आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इसके लिए मैंने आपके लिए एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने दो वेरिएबल लिए हैं, एक्स इक्वस टू 16 और वाई इक्वस टू 3, और यहाँ पे एक सिंपल सा ऑपरेशन किया है एक्स प्लस इक्वस टू वाई। उसके बाद मैंने यहाँ पे सिंपली एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर दिया है, वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू परसेंट डी। अब देखते हैं इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू 19। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू 19 कैसे हो गई। थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि एक्स प्लस इक्वल्स टू वाई का मतलब होता है एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो देख सकते हैं एक्स की वैल्यू 16 है, वाई की वैल्यू 3 है, यहाँ पे दोनों जुड़ के हो जाएंगे 19, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19, इसलिए आउटपुट आ गया वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू 19। इसके बाद जितने भी ऑपरेटर बच गए हैं हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों यदि आपके पास ऑपरेटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। शेयर करने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम ज़रूर आपको आंसर देंगे। और हाँ दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।